श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार प्रत्येक साल की भांति इस साल भी 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार को गृहस्थों के लिए एवं 7 सितंबर दिन वीरवार सन्यासी एवं विशुद्ध वैष्णवों के लिए बताया गया है। अब इस वर्ष अति दुर्लभ संयोग इकट्ठा हो रहा है जो कभी कभी होता है, तो पुत्र जिसको प्राप्ति नहीं हो रहा है, इसमें बाधा आ रहा है, किसी ज्योतिषी विद्वान से अपने ग्रहों की स्थिति दिखा करके और एक लड्डू गोपाल का प्रतिमा छोटा सा खरीद कर लावे, किसी मंदिर में ले जाकर के उसको दान कर दें और पुत्र प्राप्ति के लिए संकल्प भादो अष्टमी को करने के बाद इसको 1.25 लाख जाप करा करके हवन कराएं, ठाकुर जी ने चाहा तो अवश्य संतान प्राप्ति होती है, यदि ऐसा दुर्लभ संयोग होता है तब। अब दुर्लभ क्या है, अष्टमी तो प्रत्येक साल जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो दुर्लभ संयोग यह है कृष्ण पक्ष भादो महीना एक, अर्धरात्रि का समय दो, दिन बुधवार तीन, रोहिणी नक्षत्र चार और वृक्ष राशि का चंद्रमा, ये दुर्लभ संयोग है। ये जब इकट्ठा हो जाता है तो इस दिन जन्माष्टमी का व्रत करके और संकल्प करके पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, धनार्थी धन प्राप्त कर सकते हैं एवं विधानतः कार्य करने पर 3 पुस्तक के कोई व्यक्ति यदि प्रेत योनि में गए हो तो उसका भी उद्धार हो जाता है, ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में। तो पुराणों के आधार पर एवं पंचांगकारों के आधार पर यह दुर्लभ संयोग तीनों इकट्ठा हो, 6 भी इकट्ठा हो रहा है और यह तीनों काम पूर्ण हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ करना क्या है और क्यों 2 दिन मनाया जाता है, तो रोहिणी नक्षत्र रात्रि व्यापिनी तो है लेकिन दिन में उदय काल तिथि में रोहिणी नक्षत्र नहीं है, कृतिका नक्षत्र इसके बाद रोहिणी आ जाएगी, तो इसलिए। लेकिन अर्धरात्रि के समय जिस समय व्रत त्योहार मनाया जाता है उसके लिए खीरा फोड़ करके और इसके बाद वहां माखन मिश्री का भोग लगावें, धनिया भूज करके पंजीरी बना करके रखें, केला वगैरह का मिष्ठान प्रसाद अपना वितरित करें और पूजन करें, भगवान का नाम जप स्मरण करें, मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और विशुद्ध वैष्णव जो होते हैं अगले दिन उदय काल यानी सूर्योदय के समय में रोहिणी नक्षत्र व्याप्त रहेगी, इसलिए वो लोग नवमी को अष्टमी मनाएंगे बृहस्पतिवार को, इसीलिए। और वैष्णव रोहिणी को देखते हैं और संयोग ऐसा है कि जयंती नाम तभी पड़ता है जब रोहिणी नक्षत्र टच करती है, तो यह संयोग बहुत ही दुर्लभ है। आप लोग इस विधि विधान के अनुसार याद रखें, 6 सितंबर गृहस्थों के लिए और 7 सितंबर शुद्ध वैष्णवों के लिए यह बताया गया है और इस विधान के तहत करने से मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।